हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हल्देश्वर मंदिर के पहाड़ों से फूटा झरना, सिवाना क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, बाड़मेर शहर में बूंदाबांदी, गर्मी से मिली राहत, किसानों की बांछे खिली। बाड़मेर, थार नगरी बाड़मेर में भीषण अकाल के बीच गुरुवार को सिवाना इलाके में मूसलाधार बारिश हुई है। सुबह से तेज गर्मी व उमस ने हाल बेहाल कर रखे थे। दोपहर में सिवाना सहित आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। सिवाना के हल्देश्वर मंदिर पहाड़ी से बहता हुआ झरना इस साल की सबसे सुखद तस्वीर है। वहीं बाड़मेर शहर और उसके आसपास कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हुई है। बाड़मेर जिले के सिवाना में करीब एक घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है। इससे सड़कों और आसपास के तालाब भर गए हैं। सिवाना के नाड़ी, तालाब और कुंड बारिश के पानी से भर गए। इस सीजन में सिवाना के हल्देश्वर पहाड़ियों से पहली बार तेज बारिश के बाद झरना बहा है। ग्रामीणों ने पहाड़ियों से बहता झरना देखने का लुत्फ उठाया तो युवाओं ने झरने में भी स्नान किया। सिवाना इलाके के टिपलून, गोलिया, कांकी, कुंडल, सैला सहित गांवों में अच्छी बारिश हुई है। वहीं धोरीमन्ना इलाके में भी अच्छी बारिश हुई है। बारिश के बाद कस्बे की सड़कें चारों तरफ कीचड़ से लबालब हो गई। लोगों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ा। गर्मी से मिली राहत, बाड़मेर में सुबह से गर्मी व उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। दोपहर बाद शहर सहित आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने के बाद मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिली, पशुओं के चारे की उम्मीद। बाड़मेर जिले में गुरुवार को शहर समेत गांवों में कहीं बूंदे बांदी तो कहीं हल्की और मध्यम बारिश हुई है। इससे जली फसलों सहित हरे चारे को जीवन दान मिल सकता है। बारिश के बाद पशुओं के लिए चारे होने की उम्मीद जगी है, इससे पशुपालकों को राहत मिली। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले के कुछ इलाकों में जून में बारिश हुई थी, तब किसानों ने बुवाई की थी। इसके बाद करीब ढाई माह बाद बारिश नहीं होने के कारण 80% फसलें जलकर राख हो गई है। वहीं प्रशासन खरीफ फसल का सर्वे और गिरदावरी करवा रही है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।